अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इज़ नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसके बाद उसे एडिट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है कि वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर जो हैं वो कौन सी टाइप हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स हैं। उसके बाद इट प्रोवाइड्स यूज़फुल टूल्स टू क्रिएट ऑल काइंड्स ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ये हमें ऐसे टूल्स फ्राहम करता है जिससे हम किसी भी किस्म का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम फीचर्स पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें फीचर्स हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले हम सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स के फीचर्स पढ़ेंगे। सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स मतलब ऐसे वर्ड प्रोसेसर जिनके अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ या ज़्यादा टूल्स मौजूद नहीं हैं। हम इसमें सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद उसे एडिट कर देते हैं। इसमें सिंपल वर्किंग होती है। इसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एडिटिंग या फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती। जैसे कि आपके पास नोटपैड हो गया, टेक्स्ट एडिटर्स वगैरह हो गया आपके दूसरे, ठीक है, वो सब कुछ, वो सारे जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो आपके सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स हैं। उसमें सबसे पहला जो फीचर आता है वो है इंसर्ट टेक्स्ट। मतलब जो पहले टाइपराइटर्स वगैरह होते थे उसमें हम एक बार लिख लेते थे वर्ड्स तो हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते थे, वो वेस्ट हो जाता था पेज। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हमने अगर कोई टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट लिखने के दौरान सपोज करें आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और लिखने के दौरान आप एक वर्ड भूल जाते हैं और आगे लिख लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना कर्सर वहाँ पर लाएँगे और वहाँ पर कर्सर ला कर वहाँ पर आप अपना टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है डिलीट टेक्स्ट। डिलीट टेक्स्ट, अच्छा, सिंपल टेक्स्ट इंसर्ट टेक्स्ट के अंदर आप एक वर्ड भी एंटर कर सकते हैं, एक लाइन एंटर कर सकते हैं, एक पैराग्राफ एंटर कर सकते हैं, इवन पेज भी एंटर कर सकते हैं। मतलब आप पेज के बराबर टेक्स्ट लिख के एंटर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आपने सपोज करें एक पैराग्राफ लिखा और आप उससे पहले एक दूसरा पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उससे पैराग्राफ से पहले इंसर्ट कर सकते हैं अपना जो भी लाइन, पैराग्राफ, वर्ड्स वगैरह आपने एंटर करनी हो। उसके बाद आता है डिलीट टेक्स्ट। डिलीट टेक्स्ट भी सेम इंसर्ट टेक्स्ट की तरह, मतलब आप उसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसे डिलीट कर सकते हैं। आप कहीं पे भी कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी पेज, आप उसे सिंपली सिलेक्ट करें और उसके बाद उसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है कट एंड पेस्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, या आपने एक वर्ड लिखा है, आप चाह रहे हैं कि ये वर्ड जो है ये नेक्स्ट पेज पे भी इसी तरह से लिखा है, या आप चाह रहे हैं ये वर्ड यहाँ पे नहीं लिखना था, ये नेक्स्ट पेज पे लिखना था, तो आप क्या करेंगे कि आप उसे यहाँ से कट करेंगे, देन नेक्स्ट पेज जहाँ पे भी आपने उसे लिखना है वहाँ जाके उसे पेस्ट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कट एंड पेस्ट हो जाएगा। कट एंड पेस्ट आप अपने माउस के ज़रिए, मतलब कर्सर के ज़रिए भी कर सकते हैं। और कट एंड पेस्ट करने के लिए आपके पास कीज़ भी होती हैं। जैसे कट करने के लिए आपके पास जो की होती है वो कंट्रोल प्लस एक्स की है, और पेस्ट करने के लिए आपके पास होती है कंट्रोल प्लस वी की भी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉपी। जिस तरह आप कट एंड पेस्ट करते हैं इसी तरह, अब सपोज करें आप यहाँ पे एक पेज पे आपने एक लाइन लिखी है, ठीक है, और दूसरे पेज पे भी आप वही लाइन लिखना चाह रहे हैं, तो आप बार बार एक ही लाइन को रिपीट करेंगे, तो रिपीट करने से अच्छा ये है कि आप वहाँ से उसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट पेज पे आके उसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और पेस्ट करने के लिए वही सेम कमांड इस्तेमाल होगी, लेकिन कॉपी करने के लिए हम यहाँ पे जो कमांड इस्तेमाल करते हैं वो है कंट्रोल प्लस सी।
उसके बाद आता है पेज का साइज़ और पेज का मार्जिन, मतलब आपने पेज कितने साइज़ का लेना है। ठीक है, अब जैसे आप प्रिंट करवा, जब प्रिंट निकलवाते हैं तो आप उन्हें बताना पड़ता है आपको कि आपने कितने साइज़ का A4 है, कौन से साइज़ का आपने पेज जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके अलावा मार्जिन, मतलब आपने, अब सपोज करें मेरे पास ये पेज है तो मैं बताऊंगी कि मैंने इतना मार्जिन छोड़ना है साइडों से कि इससे ज़्यादा मार्जिन छोड़ना है, और इसी तरह टॉप और बॉटम का भी साइज इसी तरह ही बताया जाता है। मतलब आपके पास एक प्रॉपर पेज होता है तो पेज में बताया जाता है कि कितने जो मार्जिन हैं वो यहाँ से कितना अप डाउन एंड लेफ़्ट राइट कितना कितना मार्जिन छोड़ना है उसके सेंटर में, ताकि आपका जो डिमांड है उसके हिसाब से आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आए। तो पेज साइज और पेज मार्जिन जो हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं आपके टेक्स्ट को लिखने के दौरान। आपको बताना पड़ता है कि आपने कितना मार्जिन रखना है, अगर आप नहीं बताएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट खुद ही सेट कर लेगा, मतलब नॉर्मल जितना मार्जिन उसने सेट किया होगा आपके वर्ड प्रोसेसर ने। उसके बाद आता है सर्च एंड रिप्लेस। सर्च और रिप्लेस में क्या किया जाता है कि आपने टेक्स्ट लिख लिया, अपना सारा डॉक्यूमेंट लिख लिया, अब आपने उसमें कोई एक ऐसा वर्ड है जिसे आपने चेंज करना है। अब सपोज करें आपने एक वर्ड है बुक, आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, उसमें जहाँ जहाँ पे भी बुक का वर्ड है आप चाह रहे हैं बुक की जगह पर आप उसे चेंज कर दें, बुक की जगह पर सपोज कर दें जी पेन लिखना है आपने, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पूरे डॉक्यूमेंट को सर्च करेंगे कि आपने हर एक लाइन को पढ़ेंगे कि आपने कहाँ कहाँ पे बुक लिखा और उसे वन बाय वन चेंज करेंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्या करें कि वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसमें लिखा होता है सर्च एंड रीप्लेस, आप सिंपली वहाँ जाकर लिखेंगे बुक, अपना जो वर्ड है बुक उसे लिखेंगे, उसके बाद नीचे सर्च की ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स में आप सर्च बुक लिखेंगे जहाँ पे सर्च लिखा होगा, उसके बाद आप उसे ओके करेंगे और रिप्लेस की जगह पर जहाँ पर रिप्लेस का वर्ड लिखा है वहाँ पर आप पेन लिखेंगे और ओके करेंगे, तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड प्रोसेसर खुद ब खुद ही उसे चेंज कर देगा, बुक के वर्ड को पेन के वर्ड में चेंज करके लिख देगा। उसके बाद आता है वर्ड रैप। वर्ड रैप में वर्ड प्रोसेसर्स आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जब अपना टेक्स्ट लिख रहे हो तो लिखते लिखते जब लाइन ख़त्म हो जाती है तो आपका कर्सर खुद ब खुद ही नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है, आपको उसे बार बार नेक्स्ट लाइन पे लाना नहीं पड़ता। और उसके अलावा वर्ड रैप में क्या होता है कि आपका जो वर्ड है वो एक लाइन पर पूरा नहीं आ रहा था, वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा खुद ब खुद ही, ठीक है। उसके बाद प्रिंट की कमांड है, तो प्रिंट की कमांड में क्या किया जाता है, सिंपली आप अपना टेक्स्ट जो है उसे प्रिंट करवा सकते हैं, इसमें प्रिंट की कमांड भी दी जा सकती है और इसे माउस के ज़रिए भी प्रिंट करवाया जा सकता है, मतलब माउस के ज़रिए आप प्रिंट की कमांड को क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, आप अपना पेज वगैरह साइज़ पेज साइज़ जो है वो उसे बता देंगे और उसके बाद वो उसे प्रिंट कर देगा। और अगर आप कमांड से करना चाहते हैं तो कमांड के लिए इसकी जो कमांड है वो होती है Ctrl+P, तो इसकी कमांड है Ctrl+P। तो इसमें आप उसे बता देते हैं कि आपने कितने साइज़ का पेज जो है वो यूज़ करना है प्रिंट के लिए और उसे किस तरह से प्रिंट करवाना है, वो आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे सिंपली प्रिंट करवाता है। आज हमने जो पढ़ी हैं वो चीज़ें हैं कि हमने पढ़ा है वर्ड प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं। वर्ड प्रोसेसर्स बेसिक टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स और एक होते हैं फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर। आज हमने सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स के फीचर्स पढ़े हैं और उनमें हमने 8 जो हैं हमारे पास फीचर्स, हमने 8 बेसिक फीचर्स पढ़े हैं सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स के। कल हम फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स के फीचर्स पढ़ेंगे।